बेटा आज जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कमान प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपके पास एक इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पहले आपको जो चीज आनी चाहिए बेटा, अभी बुक में नहीं है अब्दुल्ला राशिद, अभी जो समझा रहा हूँ समझे, बुक को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले एंगल बनाना, मल्टीपल ऑफ 15 के एंगल हमारे पास बन सकते हैं कंपास के हेल्प से, क्योंकि अब तक आप बनाते हैं डी से, जिसको हम ये कहते हैं जब आप मुझे डी कहते हैं, अब तक आप बनाते हैं इसके साथ, अब आपने जो एंगल बनाने हैं इससे नहीं बनाने, अब जो एंगल आपने बनाने हैं वो कंपास से बनाने हैं, और कंपास से मल्टीपल ऑफ 15 यानी आपके पास 15 हो जाए 30, इसी तरह से 45 60 75 90 105 120 और 135 150 165 और आपके पास 180, ये एग्जैक्ट आपके पास कंपास के साथ एंगल बनते हैं, और मोस्टली जब आपके पास एंगल बनाने के लिए कहता है तो इन्हीं में से ही कहता है, इनमें से सबसे ज्यादा जो आसान एंगल बनता है वो बन जाता है 60 का, सबसे ज्यादा आसान, उसके बाद 30 का, फिर 120 90 45। अब हम एंगल बनाते कहते विद द हेल्प ऑफ कंपास, अगर वो आपके पास कहता है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल ए पे हमने बनाना है 60 डिग्री का, ये ए बी लाइन है ना, और कहता है कि ए के ऊपर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मेरे पास कंपास है, ये वाला थोड़ा सा आपके पास एरर आ सकता है क्योंकि आपके पास कुछ ये वाला नाप जो थोड़ी सी मूवेबल है, आपने किसी भी विड्थ के साथ अपने कंपास को किसी भी विड्थ का ओपन करके इस ए पॉइंट पे रखने के बाद आपने एक आर्क लगाया यू, ठीक है, अब इसको चेंज किए बगैर, इसकी विड्थ चेंज ना हो, जहां पे ये कट करे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे रख के जब आप आर्क लगाएंगे वहां से काट देंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल होगा आपके पास 60 डिग्री का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो मेरे पास है उसका वो दूसरी पिन बारीक नहीं है, इसलिए पॉसिबल थोड़ा बहुत इसमें आपके पास एरर आ जाए तो, लेकिन आपके पास बनाने का तरीका यही है, फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूं, ये जो आपके पास एंगल है ये क्या है 60 डिग्री, सर हम लोग चेक नहीं करेंगे डी के साथ, ये चेक भी आपके पास करवा देता हूं कि ये एग्जैक्ट 60 है, नहीं वैसे एक दूसरा एग्जाम कर लूंगा, एग्जाम में कर लें बेशक। अब आपके पास जब इसको रखते हैं तो ये वाला पॉइंट आपके पास हमने यहां रखना है, तो अब आपके पास देखिए ये लाइन आपके पास जब इधर रखते हैं, क्योंकि ये जीरो पॉइंट ये है, जीरो को पहले जीरो के साथ मैच करेंगे, क्योंकि इसकी जो डी वाली ये वाली चीज भी ऐसी है जो इस वक्त, तो देखिए 60 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, ये देखें यस सर, क्योंकि आपके पास, लेकिन ये हमें स्टार्ट जो इसका लेना चाहिए ना एग्जैक्ट जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को रखते हैं इसके ऊपर, ये देखिए इस जगह जीरो पे आ गया, यस सर, ये एरर बना हुआ छोटा सा, ठीक है, ये देखिए ये लाइन जब स्ट्रेट पे आ गई जीरो पे, तो अभी देखा थोड़ा सा एरर है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा एरर आएगा क्योंकि वो रखा नहीं, क्योंकि ये आपके पास 55 60 ये जा रही लाइन, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब आपके पास जो दूसरी नहीं पहना है थोड़ा सा हिलेगा थोड़ा एरर आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, जो विड्थ यहां है वो विड्थ यहां पे रखेंगे तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, अगर वो कहें 30 डिग्री का बनाओ, 30 का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन करो 60 की, 60 का स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, 60 का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, और 60 का एंगल जो आपके पास एंडिंग पॉइंट है ये, जब इन दोनों पॉइंट पर रख के आप आर्क लगाते हो तो वो इसको दो हिस्से में बराबर डिवाइड कर देगा, ठीक है, कैसे, अब आपको मैं दिखाता हूं बना के, किसी भी विड्थ के साथ कंपास ओपन कर लिया आपने, ठीक है, पहले आप इस पॉइंट पर रख के आपने आर्क लगाई बगैर इसकी विड्थ को चेंज किए, जहां भी ये दोनों आर्क 60 का बन रहा है वहां आर्क लगाए, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये जो एंगल आपके पास होगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये देखें आपके पास ये एंगल जो बन गया 30 डिग्री का एंगल बन गया, अब ये वाला एंगल टोटल 60 है क्योंकि दो टुकड़े हो गए थे 60 के, तो ये आपके पास 30 डिग्री का ये टुकड़ा हो गया, और 30 ये तो 30 एंगल बनाने का तरीका क्या है, अगर 30 बनाना हो तो पहले 60 बनाना पड़ेगा, उसके बाद 60 के लिए ये वाला एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस आर्क पे कट कर लोगे सही, कहने का मतलब ये है कि 60 के हमें पता तो है ना ये पॉइंट जहां आर्क लग रही है, क्योंकि यहां से हमारी ये लाइन गुजरेगी, ये लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है,
एक यहां और यहां इकट्ठे करेंगे 30 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये ए ओ बी है ना, ए ये बी ए सी 60 है और बी ए डी अगर आप लेंगे तो 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल आपके पास अगर इसका नाम हम ओ रख लेते हैं तो ओ से आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंगल आपके पास बी ओ सी वो कितनी डिग्री है 60 और एंगल आपके पास बी ओ डी वो भी कितनी डिग्री है 30 डिग्री। और अगर मैं कहूं एंगल सी ओ डी वो कितना होगा 60 एंगल सी ओ डी 30 वो भी 30 डिग्री है। मतलब सी ओ डी ये वाला एंगल बन रहा है ये 30 तो ये भी आपके पास कितनी डिग्री है 30 ये भी आपके पास 30 डिग्री है। तो ये आपके पास 30 डिग्री और 60 डिग्री समझ आ गए जी सर। इसलिए मैंने पहले बताया सबसे आसान 60 और 30 उसके बाद है 120 कैसे बनाते हैं उसके बाद 90 कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सर कह रहा हमें कितने चाहिए सेंटीमीटर स्केल बता के हम लोग आगे लगा पाए ये आर्क न्यू वो 60 वाली आपके लिए ये वाला एंगल की लेंथ मर्जी है नहीं स्केल में कितना है लेकिन हम लोग कितना लेंगे 6 सेंटीमीटर लग गया नहीं मर्जी है एंगल के ऊपर मर्जी है डिपेंड करता है। अगर वो लाइन की लेंथ कह दे कि लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 7 सेंटीमीटर तो फिर पहले एंगल के लेके फिर आर्क लगाएंगे। ओके सर। और जो आपके सवाल है ना कि अगर वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ सी ओ इज ट्रायंगल बनानी है तो वो कहते हैं कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है फिर 5 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाएंगे उसको ज्वाइन करेंगे। ओके क्लियर। अब 120 डिग्री का एंगल जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी विड्थ के साथ इसको ओपन करके आर्क को यूं घुमाएं। ठीक है, जब पहली दफा यहां लगाएंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का बन जाएगा 60 सर 60 60 और चाहिए इसको बगैर चेंज के इसकी विड्थ को चेंज नहीं करना ठीक है। यहां लगाएंगे तो ये 120 समझ आई बात। दोबारा बता देता हूं देखें यहां से यहां तक गए जो आपके पास है वो कितने डिग्री है 60 फिर यहां से यहां तक गए टोटल 120। अच्छा बेटा देखिए यहां से लेकर ये आपके पास 60 फिर ये 60 टोटल यहां तक कितना हो जाएगा 120। अगर आपके पास 120 डिग्री का एंगल चाहिए तो हम इस पॉइंट को O के साथ ज्वाइन कर देंगे ये वाला पॉइंट आप इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है ये वाला एंगल कितना है टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना है 120 डिग्री। अब थोड़ी सी बात समझने की है अगर मुझे बनाना है 90 का एंगल कितना बनाना है 90 के बोर्ड बेटा बोर्ड के लिए टेंशन है मुझे जी सर। ठीक है अब आपके पास 120 डिग्री है मुझे 90 का एंगल चाहिए 90 का एंगल करने के लिए 60 और 30 का 60 और 30 को बाइसेक्ट करोगे तो वो तो आपके पास यहां आएगा जी सर। 90 के साथ वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सर 90 के बेटा स्ट्रेट लाइन तो मुझे भी पता है लेकिन कहां कहां रख के आर्क कट करोगे। अगर मैं यहां पे नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल ये ए है ये आपके पास बी है पॉइंट ये सी है मैं आर्क को कहां कहां पे रख के कट करोगे 90 का एंगल बने एक वक्त में एक बच्चा बताएगा एक के पास रखेंगे। ओके आप ये कहते हो फाद आप क्या कहते हो सर 30 वाला कह रहा हूं 30 वाला मुझे 30 वाला तो बन गया ना बेटा 30 वाले क्यों जा रहे 30 बन गया मैं 90 की बात कर रहा हूं सर ये ओ से सी है सर नहीं ओ से बीच में नहीं सर द ए बी सर बी कहां कहां रख के लगा दो आर्क लगानी पड़ेगी कहां कहां रख के लगाऊं सर ओ और बी गलत बता रहे हैं। देखो बाइसेक्शन का मतलब ये होता है जहां पे वो एंगल स्टार्ट हो रहा है जहां एंड हो रहा है उसको रख के बाइसेक्ट करो। मुझे इन दो पॉइंट पे बी पे और सी पे रख के जब करूंगा तो ये 60 के दो टुकड़े बन जाएंगे 60 का हाफ कितना होता है 30 तो ये इसके दो टुकड़े बनेंगे 30 आपके पास इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा यहां से लेके 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 990 और मेरा 90 एंगल पूरा हो जाएगा। कैसे बनेगा कहां पे रख के आर्क लगानी है मुझे जैसे मैंने आपको बताया है कि यहां पे रख के और दूसरी आर्क यहां पे रख के लगानी है तो मेरे पास यहां जब इसे मिलाऊंगा ये एंगल जो मेरे पास बन रहा है वो 90 डिग्री है क्योंकि आपके पास यही चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो एंगल बनाना है वो कहां कहां पे आर्क रख के बनानी है। तो जब यहां पर रख के इसको मिलाएंगे ये 90 डिग्री है यस
क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंपास है उसके जो है एक जो पिन है वो आपके पास चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर इसकी ये मैं रबड़ हटा दूं तो फिर तो अलबत्त पॉसिबल है कि मेरे पास जो गलती का चांस कम हो जाए, वरना अदरवाइज वो स्टेबल हो पाएगा, फिर वही बात है इसका स्टेबल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जगह जो है ना थिक है, अगर थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो एंगल यहाँ गलत आर्क होगी, इसलिए आपके पास जो कंपास होता है वो आपके पास बारीक निब बनी होती है, अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे आपके पास एंगल गलत बन जाएगा। अब 90 की समझ आई आपके पास, अब ये देखो आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये 90 बनता कि नहीं बनता? यस सर। अगर 45 का हमें बनाना हो तो 45 के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया 90 का बना दिया, 120 का भी समझ आ गया, 90 का भी समझ आ गया, अब 45 के लिए भी हमें 90 का बनाना पड़ता है, या 90 का बनाना पड़ेगा या 60 का बनाना पड़ेगा, लास्ट में 45 दो तरीकों से बनता है, क्योंकि 45 का हाफ क्या होता है, सॉरी 90 का हाफ क्या होता है 45 का, 90 का बनाऊंगा तो 090 के बाद सेक्शन करूंगा 45 बनेगा। कैसे? अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये पॉइंट O है, आपने किसी भी विड्थ के साथ इसके लगा दिया, ठीक है, इसको चेंज किए बगैर फर्स्ट पॉइंट पे 60, सेकंड 120, फिर इसी पे रख के ये हमारे पास आ गया 90। एक चीज का यह ख्याल करना, जब आप 90 बना रहे हैं और रिक्वायरमेंट आपके क्या है 45, तो उस वक्त आपने 90 को डॉटेड लाइन से शो करना है। डॉटेड लाइन कैसे आएगी बेटा? क्योंकि यहां जैसे मैंने बताया कि हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ रहा है एंगल के अंदर, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मेरे पास जो कंपास है वो थोड़ा सा मूवेबल है, ये 90 का आएगा, ठीक है। 45 के लिए ये मेरा पॉइंट O है, तो यहां से लेके यहां तक 90 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट अगर मैं इसको A का नाम दूं और ये क्या नाम दूं B का, इन दो पॉइंट पे किसी भी ग्रिड के कंपास को ओपन करके आप आर्क लगाएंगे तो जो बनने वाला एंगल वो कितने डिग्री का होगा? 45। देखिए ये है इसका जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट पे रख के आपने किसी भी कंपास के साथ ओपन करके आर्क लगाई, फिर उसके बाद बी पॉइंट पे रख के आपने आर्क लगाई, ये दोनों जो आपने जो कट किए है इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 45। ये आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि जब आप ट्राइंगल बना रहे होंगे उस वक्त आपने ये नहीं कहना कि मैंने कहां पे कंपास रखा, आपने ये सिर्फ ये कहना है कंस्ट्रक्ट द एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट O। वहां पे हमें ए और बी लिखना भी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ आ गई बात? यहां भी जो मैंने लिखा है ए बी सी आपको समझाने के लिए बताया है कि यहां यहां रख के आपने आर्क लगानी है, जैसे मैंने बताया। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल तुम्हारे सामने बने हुए हैं, मैंने आपको बना के दिखा दिया 30 का, बना के दिखा दिया 45, 60, 90 और 120, अगर मुझे 75 का बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? 45 और 30 कैसे बना? 75 के एंगल के लिए इधर डायग्राम आपके सामने है सर, पहले सर 90 का बनाएंगे, चले मैं आपके पास सर पहले आप इस डायग्राम से हम 75 को बना सकते हैं, लेकिन कैसे? एक सेकंड कोशिश किया करो, एक वक्त में एक बोले, हैंड रेज कर दिया करो, मैं खुद आपको बताऊंगा आप बोले सर सर ना बोला करें, जस्ट रेज योर हैंड देन आई विल से हु विल स्पीक। जी साहब बताएं सर, पहला 30 का बना दें? नहीं सर, थोड़ा सा और सोचिए सर, 40 का 75 का मुझे बनाना है। मैं एक बात यूं करता हूं, सवाल को आपके लिए आसान कर देता हूं समझने के लिए, ये चार पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास ए बी, आपके पास इसको नाम दे देता हूं सी का और इसको नाम दे देता हूं डी का। मुझे 75 पे एंगल बनाने के लिए किस दो पॉइंट पे रख के आर्क लगानी पड़ेगी? आप मुझे बताओ ए बी सी डी में से किस पे रख के आर्क लगाऊं? दो पे आर्क लगानी पड़ेगी, वो दो पॉइंट बताओ सर। 120 मत बताओ ना यार, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ए बी सी डी कहां कहां रख के मैं आर्क लगाऊं सर। बी और ए पे सर, बी और ए पे रख के आर्क लगाएंगे तो इन दो की बाइसेक्शन हो जाएगी। 60 का हाफ कितना होता है? 30। फिर तो ये वाला एंगल आ जाएगा बी और ए पे रखने पे सर। बी और बी, बी और सी सर, बी और सी पे आपके पास सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको लग गया तुक्का लग गया, क्योंकि देखो यहां तक आपके पास कितना आया हुआ है 60, आप इन दो को बाइसेक्ट करेंगे तो ये टोटल लेंथ कितनी है यहां 20 से लेकर सी तक? 30।
30 हाफ कितना होता है? 15 15 प्लस ये 60 कितना हो जाएगा? 75 बात समझ आई? चले ये 75 बनाने के लिए करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि इसी डायग्राम में अगर मैंने 105 को बनाना तो फिर मैं कहाँ कहाँ रख चार्ज लगाऊंगा सर? फिर बी और डी पे। अगर बी और डी पे रखे तो बी और डी पे रख के यार लगाइए तो मेरे पास ये बोला है 90 क्योंकि मैं इस 120 को रिमूव कर दी। डी सी सर। डी और सी। डी और सी सही है। क्यों? क्योंकि यहां तक जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री का। ये 90 है और उससे आगे ये गैप कितना है? 30 है। इसके दो टुकड़े करेंगे तो 15 90 प्लस 15 105। समझ आई बात? क्योंकि आपको यही चीज समझनी है कि मैंने कहां कहां पे रख के कौन कौन से मैंने बनाना है। मुझे एक बात बताए, 45 को मैंने बनाया है ये वाला एंगल, मैं यहां भी 45 ले सकता हूं। कैसे? इसके अंदर भी 45 बनाया जा सकता है। कैसे बनाने क्योंकि मेन चीज यही है कि आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल, उसके बाद हम ट्राइंगल बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। चलिए